देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध है, अपराध या अपराधी से हम लोगों को या अमले को खाते कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली, और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते, हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सु मोटो लिया जाता, लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है, आपको लगता है करवाया गया, आपको लगता है ये हुआ नहीं, स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराध अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका की बात हो रही है।